मौजूद हूँ यहाँ पर रंगमंच पर आज श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं नित्यांजलि ग्रुप की ओर से और सोलंकी और राशि शिहारी उनने बच्चों को मंच दिया है नित्यांजलि ग्रुप ने और यहाँ पर प्राइज डिसीजन यानी प्राइज देते हुए बच्चों को यहाँ पर कल्ली भैया भी यहाँ पर मौजूद हैं और महेंद्र भदकारिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे भाई साहब भी हाँ और गुर्जर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सभी प्रतिभागियों को प्राइज देते हुए हाँ है संध्या जाटव और आज नित्यांजलि ने ये ग्वालियर के रंगमंच पर बच्चों को मौका दिया है नित्यांजलि ग्रुप ने मैम नित्यांजलि ग्रुप ने आज बच्चों को मौका दिया है सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंतर्गत तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हाँ आज एक्चुअली सैटरडे है तो अभी हमारी 25 एंट्री आई थी एंट्री कम थी आज अच्छा जी इनमें ज़्यादातर ये गरीब झुग्गी झोपड़ी के बच्चे ये बच्चे थोड़े से ज़्यादा थे जो पैसों के अभाव के चक्कर में जी पैसों के अभाव में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाते हैं कहीं नहीं जा पाते हैं इनके पास ड्रेस वगैरह नहीं रहते हैं तो उन्हें हमने इस मंच के माध्यम से प्रस्तुति करवा के कॉम्पिटिशन का भावना हमारी कम थी और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर मेले की तरफ से जो हमारा स्पेशल मंच देने के बाद उनका उत्साहवर्धन करना रहता है वो हमारी तरफ से ज़्यादा था मोटिव हमारा वो ज़्यादा था मतलब गरीब बच्चों को एक उनमें जो टैलेंट है उनके टैलेंट को निखारने के लिए ये मंच दिया है नित्यांजलि ग्रुप ने हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे नित्यांजलि ग्रुप को और हमारे बीच जजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं क्या नाम है सर अमित वगारी विनीता पंचवानी आज कैसा लगा ग्वालियर के व्यापार मेले में काफ़ी अच्छा लगा बहुत टैलेंट है अपने ग्वालियर में और बच्चे काफ़ी अच्छा डांस कर रहे हैं जिन्होंने कभी नहीं सीखा है उन्होंने बिना सीखे इतना अच्छा डांस किया काफ़ी मुझे अच्छा लगा मैम आपको आपने भी अचीवमेंट किया जी काफ़ी अच्छा बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जज करके और वो लोग जो मतलब कि उन्होंने कभी सीखा भी नहीं और कहीं से ट्रेनिंग भी नहीं ली फिर भी वो यूट्यूब से सीख कर इधर परफॉर्म कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है मैं तो चाहता हूं कि आप जितने भी कोरियोग्राफर हैं ग्वालियर शहर में जो देश विदेशों तक नाम कर चुके हैं अगर कोई बच्चा आपके पास आता है सीखने के लिए और वो थोड़ा गरीब है तो उसकी मदद कीजिए उसके टैलेंट को निखारने के लिए तो मैं आपसे भी यही चाहता हूं कि आप भी बच्चों मेरा सहयोग पहले से ही यहां पे छोटे बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं अपनी क्लास लाला के बाजार और आपकी मैम लाला के बाजार सेम क्लास है और हमारे बीच यहाँ पर अतिथि महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं भाई साहब भी हैं भाई साहब कैसा लग रहा है आज काफ़ी अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम को देख करके और हम चाहते हैं ये प्रोग्राम प्रतिदिन होते रहे इस मेले में प्रतिदिन होते रहे भाई साहब नित्यांजलि ने बच्चों के लिए हाँ बड़ा अच्छा बच्चों के लिए झूला घर बनाया है अप्पू झूला घर वहाँ बच्चे मस्ती भी करते हैं और आज यहाँ पर अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं सर सर कैसा लगा बच्चों का टैलेंट नित्यांजलि ग्रुप द्वारा जो ये प्रोग्राम रखा गया है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है इस तरह से होते रहना चाहिए इससे बच्चों को आगे अच्छा लगता है बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं इसमें इस तरह का इन्होंने जो पहल की है बहुत अच्छी पहल है इस तरह से प्रोग्राम आगे होते रहना चाहिए और भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं भाई साहब आपकी भी राह जानना श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला हमेशा जो कार्यक्रम होते हैं इस मेले में बड़े के रूप में या छोटे के रूप में बड़े के रूप में होता है तो उसमें क्या होता है ये जानकारी नहीं है लेकिन ये छोटे के रूप में जो कार्यक्रम हो रहा है ये सम्मानजनक हो रहा है और शानदार हो रहा है इसलिए ऐसे प्रोग्रामों की मैं सराहना करता हूँ और इनको कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी हम देना चाहेंगे ग्वालियर मेला महोत्सव की पूरी टीम तो मैं भी चाहता हूँ अगर आप में है कोई टैलेंट तो आइए यहाँ पर ग्वालियर के व्यापार मेले में रंगमंच पर परफॉर्मेंस कीजिए और मेरे से भी आप मिल सकते हैं छतरी नंबर 3 पर अगर आप में कोई टैलेंट है तो यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपका टैलेंट पूरी दुनिया पहचानेगी तो आइए छतरी नंबर 3 पर और ग्वालियर के मेले के रंगमंच पर और नित्यांजलि ग्रुप के आकर आप एंट्री कराइए और ये परफॉर्मेंस आपका परफॉर्मेंस पूरा ग्वालियर देखेगा और सैटरडे और संडे को ये प्रोग्राम रखा गया है अगर आप में है कोई टैलेंट तो आइए यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट कीजिए कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं निःशुल्क है आप आइए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और इस प्यारे से रंगमंच पर
परफॉर्मेंस कीजिए। ये कल भी रखा गया जी, ये संडे को भी है, सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक। सुबह 11 बजे से और दोपहर 4 बजे तक। तो आइए यहाँ पर आकर संपर्क कीजिए मैम से, मैम मिल जाएंगे और सर यहाँ पर रहेंगे। आप संपर्क कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, घर से तैयार होकर आइए और यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस कीजिए।